वीडियो में हम बात करेंगे एक फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन की। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर द रेपिटेशन ऑफ द इनिशियल कंसोनेंट साउंड्स अकर्स इन नियर बाय वर्ड्स। यानी एलिट्रेशन क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस भी है, एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, जिसमें रेपिटेशन होती है इनिशियल कंसोनेंट साउंड्स की सेंटेंसेस के अंदर। एलिट्रेशन पोएट्री के अलावा प्रोज में भी यूज होती है, और इसके अलावा सुपर हीरोज जो होते हैं उनके नामों में भी हम एलिट्रेशन का यूज करते हैं। इंग्लिश के अंदर हमारे पास टोटल 21 कंसोनेंट लेटर्स हैं और 24 कंसोनेंट साउंड्स हैं। तो एलिट्रेशन के अंदर हम साउंड्स की बात करते हैं, ना कि लेटर्स की। जिस तरह से मैंने कहा कि इसके अंदर हम इनिशियल कंसोनेंट साउंड की बात करते हैं, लेटर की बात नहीं करते, तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल देखते हैं। द नाइट नेवर रोड टू नॉर्वे। तो इस एग्जांपल के अंदर अगर हम नाइट का जो वर्ड है उसको देखें तो इसका जो पहला लेटर है वो के है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि के जो है वो साइलेंट है तो इस वजह से जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो नाइट है, ना साउंड है, जो कि इनिशियल कंसोनेंट साउंड है। इसी तरह से जो नेवर का वर्ड है इसके अंदर भी ना साउंड प्रोड्यूस हो रही है, जो इनिशियल भी है और कंसोनेंट भी है। इसी तरह से जो नॉर्वे है तो उसके अंदर भी ना साउंड प्रोड्यूस हो रही है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल देखते हैं, थैंक यू फॉर माय टीन रिंग। अगर इसमें हम देखें थैंक का वर्ड तो यहाँ पे था साउंड आ रही है, लेकिन जब हम टीन को देखते हैं तो यहाँ पे टा साउंड आ रही है। हैं तो दोनों इनिशियल साउंड्स हैं, भी दोनों कॉन्सोनेंट, लेकिन यहाँ पे रेपिटेशन नहीं हो रही, तो इस वजह से यहाँ पे एलिट्रेशन यूज नहीं हुई। अब हम एक थोड़ी डिफरेंट सी एग्जांपल देखते हैं, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल पेपर्स। तो इसके अंदर फा साउंड की रेपिटेशन हुई है, जो कि एक इनिशियल साउंड है और एक कॉन्सोनेंट साउंड है, तो इसका मतलब यहाँ पे एलिट्रेशन का यूज किया है। नेक्स्ट हमारे पास है बिजी एज अ बिजी बी। तो यहाँ पे जो बा साउंड है वो रिपीट हुई है, जो कि इनिशियल भी है और एक कॉन्सोनेंट साउंड भी है। इनिशियल साउंड ऐसी साउंड होती है जो किसी भी वर्ड को प्रोड्यूस करते हैं जब हम, तो जो पहली साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम इनिशियल साउंड कहते हैं। तो जी हाँ डियर व्यूवर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ आई होगी। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। और मेरी बाकी वीडियोस को भी वॉच करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।